बोलिए जय श्री राधे राधे। आज विद्यार्थियों आपको हम शरीर के अंगों के नाम संस्कृत में सुनाते हैं, तो ध्यान से सुनिए। कविता के माध्यम से 5 मिनट में ही आपको ये वीडियो तैयार हो जानी चाहिए और अच्छी तरह से याद कर लीजिए ध्यान लगा करके। हाँ सुनो लगा कर ध्यान, आज अंगों के नाम सुनाते हैं। सिर को मुंड, आंख को लोचन, गाल कपोल बताते हैं। चोटी शिखा जीव है रसना, दांत रदने कहलाते हैं। माथा मस्तक गर्दन ग्रीवा, नाक नासिका होती है। ओठ उष्ट हथेली करतल, हाथ पाड़ कहलाते हैं। पैर पाद है, पेट उदर है, रोंगटा रोम कहलाता है। आंख है चक्षु, जीव है जीवा, दांत दशन कहलाते हैं। कोख कुक्षी है, खून रुधिर है, दाढ़ी को कूर्च बताते हैं। दाढ़ी को कूर्च बताते हैं। बाल केश है, गला कंठ है, कंधा स्कंद कहता है। सफेद बाल पलित कहलाते, घुटना जान कहता है। आंसू अश्रु पसीना सेद है, तौंद तुंद कहलाती है। हड्डी को हम अस्थि कहें, माथा ललाट कहलाता है। हाथ को हस्त और मूंछ सिमश्रु, चोटी को वेड़ बताते हैं। हाँ विद्यार्थियों ध्यान से समझिए कि ये हमने लिखा है कि सिर को मुंड, पहले हमने हिंदी में लिखा है, उसके बाद में संस्कृत में लिखा है। सिर को मुंड कहते हैं, आंख को लोचन और गाल कपोल बताते हैं। तो इसी तरह से चोटी शिखा, ये चोटी किसकी? पुरुष की जो चोटी होती है उसको हम शिखा कहते हैं। जीव है रसना, दांत रदन कहलाते हैं। माथा को मस्तक, गर्दन को ग्रीवा, नाक को नासिका, होठ को ओष्ठ, हथेली को करतल, हाथ को हम पाड़ कहते हैं। पैर को हम पाद कहते, पेट को उदर, रोंगटा को रोम, आंख को चक्षु, जीव को जीवा और दांत को हम दशन भी कहते हैं और रदन भी कहते हैं। कोख को कुछ, खून को रुधिर, दाढ़ी को कूर्च कहते हैं। बाल केश है, गला कंठ है, कंधा स्कंद होता है। सफेद बाल को पलित कहते हैं, घुटना को हम जान कहते हैं। आंसू को अश्रु, पसीना को स्वेद और तौंद को हम तुंद कहते हैं संस्कृत में। हड्डी को हम अस्थि कहें और माथा ललाट, माथा को हमने ऊपर मस्तक भी बताया है और माथा को ललाट कहते हैं। हाथ को हस्त और मूंछ को समश्रु और चोटी, ये चोटी होती है महिलाओं की, महिलाओं की चोटी को हम बेड़े कहते हैं। इसी क्रम में आगे हम भोजन संबंधी नामों को संस्कृत में आज सुनाते हैं। पूड़े पोलिका पुआ पूप है, चटनी अबले कहलाती है। और भात है ओदन, खीर है पायस, लड्डू मोदक कहलाते हैं। लपसी अबागू, रबड़ी कूर्चिका, ईंधन इंधन कहलाता है। और फेनी फेनिल, चीनी सिता है, अचार संदित होता है। खिचड़ी क्रसर है, पेड़ा पिंड है, मक्खन नवनीत कहता है। मठा तक्र है, नमक लवड़ है, सेवई सूत्र का होती है। घेवर घृतपुर, पपड़ी परपटी, खोवा किलाट कहलाता है। और गजक गजक है, जलेबी कुंडली और बर्फी है नी कहलाती है। फुलका पूपला, रोटी रोटिका, मुरब्बा मिष्ट पाक होता। और शक्कर सरकरा, दही दही है, कचौड़ी पेस्ट का होती है। पराठा पूपिका, मालपुआ अपूप है,
इमरती अमृती होती है और बालूशाही मधुकंठ है, मिठाई है मिष्ठान और रसगुल्ला रसगोल है, रायता है राज्य। तो देखिए विद्यार्थियों, तो इसको पहले हमने हिंदी में और उसके बाद में संस्कृत को दर्शाया है। तो यहाँ समझिए, पूरी को पूलिका कहते हैं, पुआ जो होता है उसको हम पूप कहते हैं, चटनी को अवले कहते हैं, भात को ओदन कहते हैं, खीर को पायस कहते हैं और लड्डू को मोदक कहते हैं और लपसी को यवागु, रबड़ी को कूर्चिका, ईंधन को ईंधन कहते, फेनी को फेनिल और चीनी सीता और अचार को हम संधित संस्कृत में कहते हैं, खिचड़ी को क्रसर, पेड़ा पिंड और मक्खन को हम नवनीत कहते हैं, मठा तक नमक लवण से नहीं सूत्र का। इसी प्रकार से इसी क्रम में घेवर को भ्रतपूर्ण, पपड़ी परपटी और खोवा को हम किलाट कहते हैं, गजक को हम संस्कृत में गजक ही कहते हैं और जलेबी को हम कुंडली कहते हैं और बर्फी को हैनी कहते हैं और फुलका को पुपला और रोटी को रोटिका, मुरब्बा को मिष्टपा, शक्कर को शर्करा, दही को दधि, कचौड़ी को हम पिष्टिका कहते हैं, पराठा पूपिका, मालपुआ अपूप है, इमरती अमृती होती है, बालूशाही को मधुखंड कहते हैं, मिठाई को मिष्ठान कहते हैं, रसगुल्ला को रसगोल और रायता को राजयक्त कहते हैं। बोलिए जय श्री राधे राधे। इस तरह से आपको अच्छी तरह से तैयार हो जाना चाहिए और कविता के माध्यम से हमने आपको ये संस्कृत की शब्दावली सुनाई। ये है सर भोजन संबंधी और इधर वाले ये शरीर के। देखिए घर में बच्चों को भी सिखाओ, जिस तरह से बच्चों को अंग्रेजी में नाम अपने अंगों के नाम बताते हैं कि अंगों के नाम क्या क्या हैं, वैसे ही संस्कृत में भी ये अंगों के नाम हैं और संस्कृत में ये भोजन संबंधी नाम हैं। इनको अच्छी तरह से याद करो और अपने अपने बच्चों को भी सिखाओ घर पर परिवार वालों। बोलिए जय श्री राधे राधे।